एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और वेदर अलर्ट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। साइक्लोन स्टॉर्म बिपंजॉय को लेकर ताज़ा स्थिति इस समय आप देख सकते हैं कि काफ़ी विकराल हो चुका है सिस्टम, साथ साथ भारत के राज्यों पर भी अब इसके प्रभाव से बादल पहुंचना शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर बादल हैं, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर बादल पहुँच गए हैं, गुजरात के तमाम शहरों पर बादल बने हुए हैं और सौराष्ट्र कच्छ पर इस समय काफ़ी तीव्रता से समुद्र की लहरें उठ रही है। मुंबई पर भी काफ़ी ज़बरदस्त लहरों का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज में साइक्लोन स्टॉर्म बिपंजॉय काफ़ी गंभीर है और ये लगभग इस समय हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम की ओर इसका उसकी दिशा है। थोड़ा सा यहाँ से सुबह से इसने कुछ ट्रैक में चेंजेस लाया है और उसके बाद ये सिस्टम इस प्रकार से गया है। अब रात्रि में अनुमान संभावना इसके इस प्रकार से फिर उत्तर पूर्वी की ओर मुड़ने की है और जब उत्तर पूर्वी की ओर मुड़ेगा तब लगभग रात्रि के 2 बजे होंगे, उस समय इसका जो पूर्वी सिरा है वो कुछ भारत के गुजरात के ऊपर होगा और उसके बाद ये सिस्टम मूवमेंट करता हुआ अल सुबह तक या कल यानी कि 15 जून को दोपहर के 1 से 3 के बीच में भारत के गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र से टकराने की संभावना इसकी प्रबल हो रही है। साथ साथ चक्रवाती तूफान का ज़्यादा असर पाकिस्तान के इलाकों पर रहेगा, इसकी बेहद ज़्यादा संभावनाएँ बन रही है। चलिए अगले कुछ दिनों के दौरान भारत के राज्यों पर किस प्रकार का मौसम रहता है इसके प्रभाव से का और साथ साथ मॉनसून 2023 की भी बात कर लूँगा। मॉनसून क्यों प्रगति नहीं कर रहा है, साथ साथ मॉनसून का जो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन है, मॉनसून का जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी धीरे है। इसका मुख्य कारण अरबियन सी में बनने वाला सिस्टम है। साथ साथ एक आपको बताऊं कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना था जिसके प्रभाव से हालांकि मॉनसून आगे बढ़ा था लेकिन उसने भी कुछ बाधा डाली थी। साथ साथ हिंद महासागर के ऊपर फेबिन साइक्लोन स्टॉर्म वो भी बना था जिसके प्रभाव से मॉनसून इस बार काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। चलिए अगले कुछ दिनों के दौरान भारत में कैसा रहता मौसम का हाल, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 15 जून की आप ये स्थिति देख सकते हैं। 15 जून को भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएँ प्रबल हो रही है। भले ही मॉनसून भारत पर नहीं आया है लेकिन मॉनसून की जैसी वर्षा अब भारत के कई राज्यों पर शुरू होने वाली है और ये वर्षा इस बार साइक्लोन स्टॉर्म देने वाला है। जी हाँ, साल का दूसरा चक्रवाती तूफान बिपंजॉय इस बार काफ़ी बेहद गंभीर हुआ है और लगातार इसके ऊपर जो ट्रैक्स थे वो पहले से ही जो इंडिकेशन कर रहे थे कि भारत की ओर बढ़ेगा। मैंने भी लगभग 10 दिन पहले से ही वीडियो आप तक पहुँचाया था कि गुजरात के ऊपर इसका लैंडफॉल हो सकता है, ऐसी प्रबल संभावना इस समय बन रही थी। साथ साथ IMD मोडल प्रेडिक्शन लगातार मुंबई के ऊपर भी लैंडफॉल कराने की जो प्रभावनाएं हैं संभावनाएं बता रहे थे कि सिस्टम का मूवमेंट जो है महाराष्ट्र के ऊपर हो सकता है, लेकिन लगातार GFS मॉडल, ECMW मॉडल और विंड के तमाम जो इंडिकेशन है मॉडल ट्रैक है वो लगातार ओमान की तरफ दिखा रहे थे कि सिस्टम यहाँ पर बनता हुआ सीधे सीधे ओमान की ओर निकल जाएगा और ओमान के इलाकों पर लैंडफॉल करेगा, लेकिन ये संभावनाएं पूरी तरह से प्रबल नहीं हुई। और लगभग पिछले दिनों मैंने देखा कि जब मॉडल ट्रैक दिखा रहे थे मुंबई पर लैंडफॉल करेगा, ऐसा भी नहीं हुआ। और अब फिलहाल जिस डायरेक्शन में ये बना हुआ है, 15 जून की आप स्थिति को देख सकते हैं। 15 जून से लेकर 16 जून की सुबह तक ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि साइक्लोन स्टॉर्म भारत के काफ़ी मेन रीजन पर होगा और ये जो आप रेड कलर का आइकन देख रहे हैं ये आइकन भारी बारिश वाला है। इस रीजन में काफ़ी ज़बरदस्त भारी वर्षा होती है और हवाओं की स्पीड की बात करूँ तो हवाएं कम से कम 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है और ये जो पूरा इलाका होगा गुजरात का ये पूरा रीजन, इस रीजन पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावना है जिसमें सूरत, वलसाड, नवसारी, अहमदाबाद से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, साथ साथ जो हम कह सकते हैं सूरत, वलसाड, इन इलाकों पर भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रकोप इसका देखने को मिलेगा और लगातार जो हवाएं हैं हाई टाइड की जो गतिविधियां हैं वो अब देखने मिलने लगी। इसी बीच भारत के राज्यों पर अब लगातार मॉइस्चर पहुंचेगा अरबियन सी में बनने वाले सिस्टम के कारण, तो बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों पर बढ़ेगी, चाहे वो मध्य भारत हो या उत्तर भारत हो या फिर मैदानी राज्य। आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। हालांकि एक कमज़ोर पश्चिम विक्षोभ पर्वतीय क्षेत्रों में पहुँचा है तो बारिश की गतिविधियाँ तमाम इलाकों में रहेगी। पंजाब, हरियाणा में बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है, भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के इलाकों में बारिश होगी, साथ ही साथ ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में बारिश होने की संभावना है और दक्षिण की बात करें तो केरल से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन तटवर्ती क्षेत्रों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावना है और तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 16 जून की स्थिति की बात कर लेते हैं। 16 जून को कहाँ पर बारिश हो सकती है,
तो आप देख सकते हैं चक्रवाती तूफान जो है वो पूरी तरह से 16 जून को भारत के जो सौराष्ट्र कच्छ के इलाके उनको पार करता हुआ अब पूरी तरह से मोशर जो है वो भारत जो पाकिस्तान की तरफ से अब राजस्थान की ओर बढ़ेगा। और अनुमान संभावनाएं आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बारिश की बढ़ रही है, साथ साथ गुजरात के तमाम इलाकों में भारी बारिश होगी, मुंबई में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, इधर राजस्थान के पश्चिमी भागों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी, उधर आप देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उपमाले पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में भारी बारिश होगी। साथ साथ जो ये घाट वाले रीजन होंगे जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से दक्षिण हिस्से, साथ साथ पूर्वी से और तटीय आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन तमाम इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना है और तेलंगाना में हल्की बारिश हो सकती है, ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। 17 जून की स्थिति की बात करते हैं, 17 जून को आप देख सकते हैं कि साइक्लोन स्टॉर्म बिपन जो है कमज़ोर होगा, लेकिन ये इसकी कैटेगरी की बात करूँ तो डिप्रेशन की क्षमता में ये राजस्थान और उससे लगे हुए पाकिस्तान के इलाकों पर विकसित होगा। जब ये आगे बढ़ेगा तब संभावनाएं 17 जून के शाम तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना राजस्थान की जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आसपास के इलाकों पर दिख रही है। साथ साथ उदयपुर संभाग के जिलों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, भारी से बहुत भारी वर्षा और तेज़ अंधड़ चलेगा, साथ साथ अतिवृष्टि भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर हल्की वर्षा हो सकती है, साथ साथ उत्तर प्रदेश के बिहार से लगे हुए इलाकों पर बारिश हो सकती है, पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में गर्मी का टॉर्चर रहेगा, हल्की वर्षा होने की संभावना है, ज़्यादा बारिश की चांसेस नहीं है। पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है, साथ साथ बारिश की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है, उड़ीसा में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और केरल से लेकर मुंबई तक भारी वर्षा की संभावना है, कोस्टल घाट वाले इलाकों पर दिख रही है। चलिए 18 जून की क्या कुछ स्थिति रहती है, 18 जून को कहाँ पर बारिश हो सकती है, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो लो प्रेशर सिस्टम है वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ है तो दूसरी तरफ साइक्लोन स्टॉर्म का अब विल्मा लो प्रेशर की इंटेंसिटी में आना कहीं ना कहीं राजस्थान के इलाकों पर भारी पड़ सकता है, कई इलाकों में बारिश से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर और इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बारिश बढ़ेगी और साथ साथ गुजरात के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है, भारी वर्षा हो सकती है और साथ साथ आप देख सकते हैं मुंबई में बारिश होने की संभावना है, पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश होगी, साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। मॉनसून कुछ प्रगति कर सकता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों को कवर करता हुआ आगे बढ़ सकता है मॉनसून, ऐसी परिस्थिति अनुकूल होती हुई बन रही है और बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ेगी तो एक निम्न दबाव के क्षेत्र की बनने की संभावना भी बन रही है। 19 जून को क्या कुछ संभावना बन रही है, तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी से कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, खासकर प्रोबेबिलिटी राजस्थान के जो दिल्ली से लगे इलाके हैं जयपुर से लेकर धौलपुर, बीकानेर, चूरू और पश्चिमी राजस्थान के तमाम शहर इन इलाकों पर भारी वर्षा हो सकती है और बिहार, झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और बारिश की प्रोबेबिलिटी दक्षिण भारत के कई राज्यों में बढ़ेगी जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना इन तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और कर्नाटक के तो कई इलाकों में जलमग्न जैसी स्थिति बन सकती है और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। और 20 जून की बात करें तो 20 जून को आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश तक ये सिस्टम पहुँच जाएगा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दिल्ली NCR से लगे हुए इलाकों पर होगी, साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश पर जमकर बारिश होने की संभावना बन रही है, मध्य प्रदेश की उत्तरी एवं पश्चिमी हिस्सों पर बारिश हो सकती है, पूर्वी हिस्सों पर बारिश होने की संभावना है, बिहार, झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है, गुजरात में हल्की फुल्की वर्षा तटवर्ती क्षेत्रों पर हो सकती है, साथ साथ बिहार, झारखंड में तो प्रोबेबिलिटी बारिश की रहेगी और उड़ीसा में भी बारिश होने की संभावना है, पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा हो सकती है, बाकी आप देख सकते हैं दक्षिण में तेलंगाना में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी वर्षा के स्थानों पर हो सकती है, तमिलनाडु में माफ कीजिएगा कर्नाटक के इलाकों में बारिश की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त रह सकती है। चलिए तो अब 21 जून की बात कर लेते हैं, 21 जून को आप देख सकते हैं कि तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा उत्तर प्रदेश के इलाकों पर देखने को मिलेगी, भारी से कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश और बारिश की प्रोबेबिलिटी उत्तराखंड के कई इलाकों में हो सकती है, पूर्वोत्तर भारत तक भारी वर्षा हो सकती है, मॉनसून उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों पर भी प्रोग्रेस कर सकता है क्योंकि जिस प्रकार से संभावनाएं बन रही है मॉनसून के उत्तर प्रदेश तक तो आप देख सकते हैं मॉनसून प्रोग्रेस कर सकता है और आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के कई राज्यों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है जिसमें मुंबई, महाराष्ट्र तक मॉनसून की प्रगति हो गई है और इसके अकॉर्डिंग देखें तो साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, आंध्र प्रदेश के
जो दक्षिणी हिस्से हैं उन इलाकों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी कर्नाटक के भी कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में पूर्वी भागों पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश साथ साथ मध्य भागों मध्य प्रदेश के इन इलाकों पर शुष्क मौसम रहेगा। 22 जून की बात करें, 22 जून को संभावना है पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की हो रही है, साथ साथ आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बिहार के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और गंगा के मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ साथ बारिश की प्रोबेबिलिटी जो सौराष्ट्र कच्छ के इलाके हैं उन इलाकों में देखने को मिलेगी। राजस्थान के भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है पश्चिमी भागों में दक्षिणी भागों में, और बारिश की मुंबई महाराष्ट्र में बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ बारिश की गतिविधियाँ आपको छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सहित कर्नाटक में भी देखने को मिलेगी। कई स्थानों पर भारी से कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं मध्य भारत के राज्यों पर शुष्क मौसम रहेगा, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश पश्चिमी मध्य प्रदेश इन तमाम इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना, ज़्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी नहीं है। 23 जून की स्थिति की बात करें, 23 जून को आप देख सकते हैं कि तमाम इलाकों में पूर्वोत्तर भारत के भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर विकसित होगा, साथ साथ मुंबई से लेकर केरल तक जो कोस्टल इलाके हैं घाट वाले इलाके हैं उन इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी आप देख सकते हैं गुजरात के इलाकों में बारिश में बढ़ोतरी होगी, राजस्थान में बारिश में बढ़ोतरी होगी और आप देख सकते तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बारिश में गतिविधियाँ बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना बन रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में, साथ साथ बारिश की प्रोबेबिलिटी आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने को मिलेगी। कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, दक्षिणी हिस्से शामिल है। अब बात कर लेते हैं 24 जून की स्थिति की। 24 जून को पूरी तरह से मॉनसून सशक्त होगा और उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक के जो गंगा के मैदानी इलाके हैं साथ साथ कोस्टल भाग हैं इन भागों पर काफ़ी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मॉनसून काफ़ी ज़बरदस्त प्रगति करेगा और मॉनसून के मध्य प्रदेश तक पहुँचने की संभावना है 25 जून को बन रही है। आप देख सकते हैं 24 जून को मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा, बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ेगी जिससे भारी बारिश होने की संभावनाएँ बन रही है। तो ये था संपूर्ण भारत का अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। धन्यवाद।